दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बिहार में जो जमीन का सर्वे हो रहा है उसमें अगर कोई आपका जमीन है लेकिन कई वर्षों से कोई दूसरा दबंग व्यक्ति अपने ताकत के दम पर उस जमीन पर कब्जा किए हुए है, तो फिर अब आपको डर है कि सर्वे वो अपने नाम से करवा लेगा, खाता अपने नाम से खुलवा लेगा, तो इस पर आखिर क्या होगा। कई लोग ऐसे विक्टिम हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर बिहार सरकार का स्पष्ट यहाँ पर गाइडलाइन है कि आपको जमीन सर्वे से घबराना नहीं है, ज़्यादा हरास नहीं होना है। अगर कोई इसके बदले पैसा मांगता है तो आपको शिकायत जरूर करना है। तो अगर कोई भी पैसा मांगे तो आपको कंप्लेन जरूर करना है। अब पहले का दशक नहीं रहा कि लोग गड़बड़ कर देंगे। आज के समय में सारा चीज डिजिटलाइज है। यहाँ पर 90% जमाबंदी जो है ऑनलाइन यहाँ पर चढ़ा हुआ है। तो अगर आपके पास पेपर भी नहीं रहेगा, इस सूरत में भी आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जो सर्वे की टीम है उनके पास भी सारा रिकॉर्ड सारा डाटा होता है। बस यहाँ पर आप जेन्युइन होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई कब्जा किया होगा, तो अगर आपका जमीन है तो उसके कोई आधार कोई पेपर तो आपके पास होगा। तो यहाँ पर जो भी सर्वे के टीम लोग आएंगे आपको उन्हें दिखाना है। और अगर पेपर भी आपके पास नहीं है या फिर अगर कोर्ट में केस ही चल रहा है, आपने केस किया है, तो उसकी सर्टिफाई कॉपी आप उन्हें दिखाएं। फिर यहाँ पर वह खतियान में मेंशन करेंगे कि यह जमीन विवादित है, या फिर अगर उन्हें लगेगा तो आपके नाम से भी खाता खोल सकते हैं, या फिर उसे होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर यह भी कर सकते हैं जो पहले से खतियान बना है उसी को वह कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर सरकार ने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई अपने नाम से खाता खुलवाने जाता है और अगर किसी को आपत्ति है तो वहां आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपको 3 मौके मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, हरास नहीं होना है। यहाँ पर ग्राम सभा से भी जो सर्वेयर की टीम आएंगे वे उनसे भी ओपिनियन लेंगे। तो बस यहाँ पर जिनका जमीन है उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा, घबराना नहीं है। कोई चाहेगा कि इधर उधर करके कुछ गलत सही कर ले तो ऐसा होना मुश्किल है। और आज के समय में तो सभी लोग अवेयर हैं, यहाँ पर आपको हरास नहीं होना है। यहाँ पर सर्वे से आपको पैनिक ज्यादा नहीं होना है, बस आपको अवेयर होना है। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना है, आप किसी वकील से भी बात कर सकते हैं। अगर कोई पैसा मांगे रिश्वत मांगे तो आप कंप्लेन करें, आप उसकी वीडियो बनाएं, आप कंप्लेन करें, निश्चित ही कार्रवाई होगी। तो मेरा ओवरऑल दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आपका जमीन है किसी ने कब्जा किया है लेकिन पेपर आपके नाम से है तो खाता आप ही के नाम से खुलेगा। और अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोर्ट में केस चल रहा होगा, तो फिर जो सर्वे की टीम आएंगे वे जांच पड़ताल करेंगे, उनके बीवी पर डिपेंड करेगा, या फिर उसे वे होल्ड भी कर सकते हैं। पहले जो खतियान बना है वे उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर खतियान में मेंशन कर सकते हैं किस पर मुकदमा चल रहा है या विवादित जमीन है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो अपनी चेक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर @1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।